केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जहां जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं अवैध घुसपैठ से लेकर राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सोरेन सरकार को जमकर घेरा। झारखंड में चुनाव को महज कुछ महीने ही बचे हैं। भाजपा राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को पटखनी देने के लिए कमर कस रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा झारखंड में गांव-गांव और घर घर तक जाएगी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम सोरेन के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए कहा कि कहां गया 5 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा। न नौकरी मिली, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं रुके। अमित शाह ने भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ने का भरोसा दिया। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी मिला है क्या? नौकरी की जगह दौड़ा दौड़ा कर युवा मर जाए तब तक दौड़ाने का काम ये हेमंत सोरेन ने किया है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक पहुंचने नहीं देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए, ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान साहिबगंज के भोगनाडीह में वीर शहीद सीधो कानू की जन्मस्थली बरहेट पहुंचे। वहां सीधो कानू फूलों छानो चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ ही सीधो कानू के वंशज परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात भी की। झारखंड में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में भाजपा की परिवर्तन यात्रा से आने वाले समय में हेमंत सोरेन को कड़ी चुनौती मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक एक बांग्लादेशी घुसपैठ को चुन चुन कर निकालेंगे, यह काम सिर्फ बीजेपी की सरकार कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की मदद करने वाली सरकार है, दूसरी ओर भाजपा है जो आदिवासियों की चिंता करने वाली पार्टी है। उमेश पटेल, TD News, साहेबगंज, झारखंड।